गाइस स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस गुड इवनिंग, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वे सभी लोग सबसे पहले प्रेजेंट करें, प्रेजेंट सर लिखें कमेंट बॉक्स में जाकर, और जो नए स्टूडेंट हैं न्यू स्टूडेंट और प्रेजेंट सर लिखें इस तरह से, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। आज हम फिर से इन 6 क्वेश्चन की सोल्यूशन लेकर शाम को 6 बजे आ चुके हैं। सुबह बहुत से स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया था व्हाट्सएप पर, मैं उनकी काफ़ी चेक किया हूँ, कुछ लोगों के रिप्लाई भी कर दिया हूँ। तो आप लोग इसी प्रकार से डेली के डेली क्वेश्चंस का जवाब लिखकर भेजा करिए और सुबह मॉर्निंग में क्वेश्चन को ले लिया कीजिए। सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 के बीच में ये वीडियो आ जाता है। तो गाइस चलिए आज हम सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसका सलूशन करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला है कि H2SO4 का एक नमूना है जो 94% W अपान वी है, और इसका घनत्व क्या है 1.84 ग्राम मिली है, तो इस विलयन की मोललता निकालिए, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं मोललता क्या होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मोललता के बारे में बताया था, काफ़ी स्टूडेंट ने मोललता के बारे में पहले से ही लिखकर भेजा था, मुझे खुशी हो रही है काफ़ी स्टूडेंट की सीरीज से फ़ायदा हो रहा है और स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि हम लोग 70 दिनों तक यह सीरीज लेकर चलने वाले हैं। डेली 6 क्वेश्चन, 420 क्वेश्चन हो जाएगा। जब 420 क्वेश्चन हो जाएगा तो जो एग्जाम में 26 क्वेश्चन आएंगे इसी 420 में से आएंगे। आप इतना फिक्स रहिएगा, तैयार रहिएगा, आप बेहतरीन पढ़ रहे हैं, अपने आप पर विश्वास रखिएगा। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मोललता क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन है मोललता। मोललता होता क्या है? मोललता का मतलब होता है मोल प्रति 1 kg, मोल प्रति 1 ग्राम, 1 ग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यहाँ पर तो ग्राम ग्राम दिया नहीं है, आप लगाओगे कैसे? सबसे पहले समझना, 1 ग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोल क्या होता है? मोल का मतलब यह होता है, इस प्रकार से समझना, मोल का मतलब होता है आपका, मोल का मतलब होता है ग्राम में भार बटे अणुभार, ये मोल का मतलब होता है। कौन से? जो घोला जा रहा है विलेय के, ठीक है। ये होता है मोललता का फार्मूला कि 1 मोल में 1 किलोग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, और मोल का मतलब होता है ग्राम में भार बटे अणुभार। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में यह कहा है कि H2SO4 का एक नमूना है जो 94%, यही तो ट्रिक है आपके लिए, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, 94% W/V है, यानी कि अगर 100 मिली विलयन है तो उसमें W कितना है, अगर V=100 है तो W कितना है, 94 है। W का मतलब H2SO4 है, H2SO4 कितना है, 94, यानी 100 मिली विलयन है तो H2SO4 कितना है, 94 है। तो इस विलयन की मोललता ज्ञात करनी है, और आपके पास घनत्व दिया है, डी कहते हैं घनत्व को, 1.84 ग्राम प्रति मिली, ये दिया हुआ है। देखिए ये 100 मिली आपका घनत्व, ये 100 मिली आपका क्या है, विलयन है 100 मिली विलयन है, तो इसमें 94% H2SO4 है, यानी H2SO4 क्या है, विलेय है H2SO4 है, विलयन क्या है, 100 मिली विलयन है। और अब हम क्या निकालेंगे, नीचे जो 1 किलोग्राम होता है इसे निकालेंगे। अगर 1 किलोग्राम निकल गया तो मोल निकाल लेंगे, और फिर मोल में 1 किलोग्राम का भार देंगे तो आ जाएगा। किलोग्राम किसका होता है, ये विलायक का होता है, यानी सब आपको किलोग्राम में निकालना है। आपको मालूम होता है आयतन इज इक्वल टू घनत्व इज इक्वल टू विलयन का द्रव्यमान मान इज इक्वल टू क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व
आपका ये होता है। अब यहाँ पर कितना आयतन है, 100 मिली आयतन है। विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे सबसे पहले, उसमें विलय का द्रव्यमान घटा देंगे तो आपका विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा। और वह यही ये जो है विलायक का द्रव्यमान होता है, वह विलायक के द्रव्यमान में मान रख देंगे, आपका विलय का मान आ जाएगा। फिर से समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, समझना लास्ट तक आप लोग। देखिए, विलयन का द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन इंटू घनत्व। आयतन आपका कितना दिया है, 100 मिली दिया है, तो आप लिखेंगे 100 मिली गुणे घनत्व क्या है, 1.84 मिली ग्राम प्रति मिली, ग्राम प्रति मिली। देखिए आप समझना, यहाँ पर ये 100 मिली, ये 100 मिली मिली, और ये जो है आपका 1.84 ग्राम प्रति मिली, ये घनत्व है। गुणा करेंगे तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा, विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 184 ग्राम, ये विलयन का द्रव्यमान हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान नीचे चाहिए, तो विलायक का द्रव्यमान निकालने के लिए आपको मालूम है विलयन का मतलब होता है विलायक प्लस विलय। अगर आपके पास चीनी और पानी का मिश्रण है तो कौन विलय है, कौन विलायक है? चीनी और पानी का विलयन है, मतलब आपके पास शरबत है, तो चीनी आपका विलय होता है जिसकी मात्रा कम होती है, और जो पानी होता है वह विलायक है जिसकी मात्रा अधिक होती है। तो विलयन बनाने के लिए विलय और विलायक होना चाहिए। आपके पास विलयन का द्रव्यमान 184 है और विलय का द्रव्यमान ये 94 है, तो प्लस विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा। तो विलायक का द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 184 में से 94 को घटा देंगे, वही आपका विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा। और तो 184 माइनस 94 आ जाएगा 90, यह आपका 90 ग्राम है। लेकिन आपको यहाँ पर रखना है किलोग्राम के रूप में, किसके रूप में रखना है, किलोग्राम के रूप में रखना है। अब समझना जरा आप लोग, क्वेश्चन अच्छा है। अब यहाँ पर आपको किलोग्राम के रूप में रखना है, किस तरह से किलोग्राम रखेंगे, तो इसे किलोग्राम में चेंज कर देंगे। किलोग्राम में 90 पे 1000 का भाग दे देंगे, यह आपका किलोग्राम हो जाएगा, केजी। अब इस सूत्र के नीचे वाला तो रखने के लिए आ गया, विलायक का द्रव्यमान आ गया। अब विलय का मोल निकालना है, तो मोल निकालने के लिए आपको मालूम होता है क्या होता है, ग्राम में भार बटे अणुभार। तो इसका अणुभार निकालेंगे, H2SO4 का अणुभार निकालने के लिए हाइड्रोजन का 1 होता है, गुणे 2 हो गया, प्लस सल्फर का 16 होता है, नहीं 32 होता है, 32, और ऑक्सीजन का 16 गुणे 4, ऐसे इसे ऐड करेंगे तो इसका आपका आ जाएगा अणुभार कितना, 98। कितना अणुभार आएगा, 98। इसका अणुभार 98 आ जाएगा, किसका, H2SO4 का। तो अणुभार 98 हो गया, और 94 ग्राम में इसे घोला जाता है, तो इसका मोल कितना आ जाएगा, यहाँ पे ग्राम की यहाँ पे 94 रखोगे और अणुभार की यहाँ पे 98 लिखोगे और इसे भाग दोगे, ये मोल आ जाएगा। नीचे नीचे विलायक के द्रव्यमान से भाग दोगे तो मोललता आ जाएगा। तो फाइनली मोललता के लिए आप क्या करोगे, 94/98 भागे ये 90/1000, ये हो गया आपको साल्व करके इसे मोललता का मान आ जाएगा। अब मैं इसे साल्व नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, कैलकुलेशन है, ये आप लोग मुझसे बेहतर कर लोगे, ठीक है, कर लेना इसे। ये मोललता इस तरह से होता है, करना कुछ नहीं है, मोललता का फार्मूला होता है विलय का मोल बटे विलायक का ग्राम। और यहाँ पर आपको ग्राम नहीं दिया था इस क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पर आपका 94/W/V लिखा था। W/V का मतलब होता है, V का 100 ग्राम लेते हैं तो W 94 हो जाता है। चूंकि ये मिली में है, इसलिए इसे ग्राम में चेंज करने के लिए यहाँ पर घनत्व दिया है, तो विलयन का द्रव्यमान इज इक्वल होता है आयतन इंटू घनत्व, आयतन इंटू घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पर देखिए, आयतन इसका रखेंगे 100 मिली और घनत्व 1.8 लिखेंगे, और इस प्रकार से विलयन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 184 ग्राम, क्या हो जाएगा, 184 ग्राम। उसके बाद आपको मालूम है विलयन की मतलब क्या होता है, विलायक प्लस विलय, विलायक प्लस विलय। तो यहाँ पर विलायक क्या है, आपको मालूम है विलायक का मान मुझे आपको निकालना है, विलय का मान 94 होता है, विलयन 184 आया है, तो यहाँ पर विलायक का मान ज्ञात करेंगे। विलायक का मान ये ग्राम में आया है, लेकिन यहाँ पर आपको किलोग्राम में चाहिए,
इसलिए इसमें 1000 से भाग देकर किलोग्राम में चेंज कर देंगे। और किलोग्राम में चेंज करने के बाद ये मान आप नीचे नीचे एक किलोग्राम जो रखे हैं इतना किलोग्राम होगा नीचे रख देंगे और ऊपर अणुभार यानी मोल रखेंगे। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20% भारानुसार K2CO3 का मोललता ज्ञात कीजिए। ये भी मोललता आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मैं अभी छोड़ रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, इसे ज्ञात करना। थोड़ा सा इसमें इस क्वेश्चन की अपेक्षा की ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितना स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। ठीक है, उन सभी स्टूडेंट का नाम मैं एक सेपरेट वीडियो में लूँगा जो इस वीडियो का इस क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे कल के दिन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं, यानी 21 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता लिखिए। हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता पूछा है। तो गाइस मैं आपको वर्ग 15 के तत्वों के बारे में बताया हूँ, पूरा अच्छे से पढ़ाया हूँ। वर्ग 15 का तत्व 3 वीडियो में पढ़ाया हूँ, पूरा जीरो से पढ़ाया हूँ। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँ। चलिए आप कमेंट करोगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, या तो प्लेलिस्ट बना हुआ है वर्ग 15 के नाम पर, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। पी ब्लॉक के नाम पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, वर्ग 15 के तत्वों की हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता, वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व आते हैं ये जानिए पहले। वर्ग 15 में आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये तत्व आते हैं वर्ग 15 में, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इन सभी तत्वों की हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता आपको बताना है। तो ये सभी तत्व हाइड्रोजन के साथ मिलकर MH3 टाइप का बनाते हैं यौगिक। मतलब ये यम यहाँ पर यन हो जाएगा, मतलब ये NH3 टाइप की और PH3 टाइप का और AsH3 टाइप का, SbH3 टाइप का और BiH3 टाइप की यौगिक बनाते हैं। और इन सभी तत्वों की जो प्रकृति होती है हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता यही बनाते हैं। और इसकी तापीय स्थायित्व की बात करें, यानी ताप को जब करते हैं यानी गर्म करते हैं तो कौन अधिक स्थायी होता है, तो ये समझिएगा NH3 अधिक स्थायी होता है और ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। नीचे लिखेंगे तापीय स्थायित्व। देखिए तापीय स्थायित्व मैं तो आपको एक्स्ट्रा बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा बस यही कि हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता या हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशील करके क्या बनाते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके MH3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। यानी कि वर्ग 15 के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके MH3 टाइप के या MH3 प्रकार के यौगिक बनाते हैं। यह आपका डिफिनेशन हुआ ये 21 नंबर क्वेश्चन का। अब चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम को लेकर, उसको देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, एक मिनट, 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन इसको ऊपर को खत्म कर देते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि HNO3 का आयोडीन के साथ अभिक्रिया लिखिए। देखिए गाइस आपको एक एक अभिक्रिया मैं डेली याद कराने की कोशिश करता हूँ, एक दो आपके आर्गेनिक के और एक दो इनऑर्गेनिक के, धीरे धीरे करके 70 दिनों बाद आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, अपने पे विश्वास रखना होगा। डेली मैं जैसे कराऊँ तैसे करते रहिएगा। और फिजिक्स की क्लास के लिए कुछ लोग कर रहे हैं तो परेशान मत होना यार, फिजिक्स की भी क्लासेस जल्दी लगेंगी आपकी। ठीक है, कुछ समस्याएँ आ रही हैं इसलिए फिजिक्स की क्लास नहीं लग रही है। समस्याएँ क्या है आपको मैं बताऊँगा आपको जल्दी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, HNO3 के साथ क्रिया करके आयोडीन क्या बनाता है, ये क्वेश्चन है। आयोडीन HNO3 के साथ कैसे क्रिया करता है, देखिए HNO3 एक प्रबल अपचायक, प्रबल जो है आक्सीकारक होता है। क्या होता है, आक्सीकारक, यह आक्सीकारक मतलब आक्सीकारक होता है। और यह आक्सीकारक होकर क्या बनाता है, देखिए 2 HNO3
ये जब ऑक्सीकरण होता है इसका, 2HNO3 का जब ऑक्सीकरण होता है तो ये आपका 2NO2, समझना ध्यान से, ये जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो ये 2NO2 और साथ में H2O, और सबसे खतरनाक चीज जो बनाता है ये ऑक्सीजन, इसे कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। देखिए आपके सिलेबस में जो है उसमें सबसे खतरनाक जो कोई कंपाउंड है वह है यह आपका नाइट्रिक एसिड, यह HNO3 इतना खतरनाक है, इसमें इतनी बड़ी बड़ी है और इतनी खतरनाक रिएक्शन है कि आपके एग्जाम में आएगा तो दिमाग घूम जाएगा। इसीलिए मैं सबसे पहले इसी का एक एक रिएक्शन डेली याद करा रहा हूँ। कल भी HNO3 का एक रिएक्शन दिए थे, आज भी आपको दिया हूँ, कल अम्लराज दिए थे, आज भी मैं आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हूँ। बस आपको ज़रूरत है डेली की डेली पढ़ने की, डेली का डेली पढ़ोगे, थोड़ी थोड़ी पढ़ोगे, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और हाँ, HNO3 के जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैं एक बार बता दिया हूँ, एक वीडियो में पूरा करके दे दिया हूँ आपको, बस उसे आपको एक बार देखना है। एक बार देखोगे तो जो डेली मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए इस क्वेश्चन को मैं चाहता तो डायरेक्ट रिएक्शन लिख देता जो आपकी किताब में दिया, लेकिन मैं उसे डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, मैं उसको करके दिखाऊंगा। और आपको भी एग्जाम में पूछे तो ऐसे ही करना है। क्यों ऐसे करना है? अगर एग्जामिनर देखेगा उस पर तो अलग इफेक्ट जाएगा, ठीक है, आपको अच्छा नंबर देगा ना। इसके बाद देखना, जब ये आयोडीन के साथ क्रिया करता है I2 के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, 5O के साथ क्रिया करने लगता है, यानी 5 नवजात ऑक्सीजन को लेता है और आयोडीन के साथ क्रिया करता है और बनाता है I2O5। अभी मैं फाइनल रिएक्शन की ओर चल रहे हैं, उससे पहले देखना कैसे रिएक्शन होता है। अब क्या होता है, I2O5 जो होता है, ये जो I2O5 होता है ये इस H2O को लेता है और क्रिया करता है I2O5, क्या बनाता है, HIO3, यह आपका HIO3, 2HIO3 बनाता है, ठीक है, इस प्रकार से बनाता है। इसे क्या कहते हैं, आयोडिक अम्ल। फिर से समझना, HNO3 को जब ऑक्सीकरण कराते हैं, तो आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ में जल और नवजात ऑक्सीजन देता है। यह नवजात ऑक्सीजन के 5 अणु आयोडीन के 1 अणु के साथ क्रिया करता है तो I2O5 बनाता है, या I2O5 H2O के साथ क्रिया करता है तो आयोडिक अम्ल बनाता है। रिएक्शन है, इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर आप मेरे साथ सुनोगे, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि एक ही रिएक्शन कल के जो लेक्चर रेगुलर देख रहे हैं स्टूडेंट, कल के वीडियो में ये रिएक्शन मैं करा था, आज मैं उसे दोबारा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है 1-2 दिन के अंदर आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, तो जितने स्टूडेंट मेरी डेली की वीडियो देख रहे हैं उनको बेनिफिट होगा और ये रिएक्शन याद हो जाएगा। इसी तरह से आपको वीडियो में भी कराया था ये क्वेश्चन, ठीक है, आज यहाँ पर भी उसी तरह से करा रहे हैं। देखिए अब ध्यान से कैसे होगा इसे। अब इसे करने के लिए देखिए, यहाँ पर 5 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, इसलिए यहाँ पर हम गुणे 5 कर देंगे, तो वह अंतर पूरे में 5 से गुणा हो जाएगा। पूरे में 5 होने का मतलब ये 5 यहाँ पर चला जाएगा, ये 5 यहाँ पर चला जाएगा, ये 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और ये भी 5 × 2 = 10 हो जाएगा। समझना जरा, अब ये बाहर से 5 हट जा रहा है, ठीक है, अब समझना, ये 5 ऑक्सीजन से कट जाएगा और ये I2O5 से कट जाएगा और ये H2O बचा है, तो एक H2O यहाँ पर है, 5 H2O यहाँ पर है, इसलिए कट जाएगा, यहाँ पर 4 H2O बचेगा। फाइनली रिएक्शन क्या हुआ, 10HNO3 प्लस I2 कीप्स आउट 10NO2 प्लस 4H2O प्लस 2HIO3, ये आपका फाइनल रिएक्शन है आयोडीन के साथ। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर। एग्जाम में आ जाता तो ये रिएक्शन किसी को याद ही नहीं होता है, लेकिन आप अगर इस तरह से करोगे, आपको इतना मालूम रखना है कि ये ऑक्सीकरण होने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है और I2O5 के साथ क्रिया करके I2O5 बनाता है और इसे जल के साथ क्रिया करके आयोडिक एसिड बना लेगा। यही आपको समझना है, यही आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल 6 क्वेश्चन आप डेली पढ़िए, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे आप लोगों के, बस 6 क्वेश्चन, लेकिन 6 क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, यानी कि दोबारा इन 6 क्वेश्चन को सामने आ गया तो आपको थोड़ा सा भी सोचना न पड़े, ऐसे पढ़ना है आपको 6 क्वेश्चन, ठीक है।
देखिए क्या क्वेश्चन है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को विभेद कीजिए वी हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। एल्कोहल के विभेद करने की काफ़ी विधि होती है, लिकास रिएजेंट से आप विभेद कर सकते हो और 1 डिग्री 2 डिग्री को वी हाइड्रोजनीकरण से कर सकते हो, तापीय द्वारा कर सकते हो और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर सकते हो। काफ़ी विधियाँ होती हैं, सभी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, एकदम जीरो से पढ़ाया जाएगा। आपको थ्योरी वाली क्लास भी चल रही है, इसी क्लास के जस्ट बाद 7 बजे आपकी थ्योरी वाली क्लास होती है, आज भी होगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है, तो आप उसमें आना मत भूलिएगा, ठीक है। अब समझिए इस क्वेश्चन को, 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है सबसे पहले जानना। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। देखिए 1 डिग्री एल्कोहल जो होता है उसमें ये जो OH होता है, इससे जो CH2 वाला ये जो कार्बन है ये केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है, R नहीं लिखते हैं, ठीक है। देखिए ये CH2 है और इस ये OH, एल्कोहल होने पर OH तो होगा, एल्कोहल होने पर OH तो होगा, नीचे लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अब समझना है यहाँ पे। 1 डिग्री एल्कोहल जो है आपका उसमें CH2 से जो OH इस तरह से होता है, इस तरह से होने का मतलब ये OH ग्रुप है या जिस कार्बन से जुड़ा है वह केवल एक कार्बन से जुड़ा होगा। अगर 2 डिग्री की बात करें, यह OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है यह दो प्रकार के कार्बन से जुड़े होते हैं, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। 3 डिग्री की बात करें तो ये 3 से जुड़े होते हैं इस तरह से, R OH, ये 3 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल, ये 1 डिग्री एल्कोहल। यह आपका वी हाइड्रोजनीकरण जब कापर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो तीनों के तीनों अलग 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 बिहेव करते हैं। ये CH3 का, ये R का मतलब क्या है, R का मतलब आप CH3 रख सकते हैं, यानी जितना R है वहाँ पर CH3 रख दीजिए, तब पर भी मतलब एक ही होगा। R से आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, समझना फिर से, ये जो R है इसका मतलब CH3, आप CH3 रख दीजिएगा, ये CH3 लिखने की जगह पे मैं R लिख दिया हूँ। तो ये जो देखिए ये एल्कोहलिक ग्रुप है, ये यहाँ से जिस कार्बन से जुड़ा है, यह कार्बन केवल एक R से जुड़ा हुआ है, यानी एक CH3 से जुड़ा हुआ है। ये देखिए 2 से जुड़ा हुआ है इसलिए 2 डिग्री है, ये 3 से जुड़ा हुआ है इसलिए 3 डिग्री है। ये तीनों के तीनों अलग अलग रिएक्शन देते हैं, जब कापर के 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो तीनों अलग अलग रिएक्शन देते हैं। तीनों अलग अलग रिएक्शन देते हैं, कैसे देते हैं आइए देखते हैं तीनों के तीनों रिएक्शन को। देखिए सबसे पहले फर्स्ट डिग्री रिएक्शन को देखते हैं। ये जो फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है OH, ये जब आप गर्म करते हैं कापर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कापर की उपस्थिति में आप 300 डिग्री सेंटीग्रेड फर्स्ट डिग्री एल्कोहल को गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से R CHO बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है 300 डिग्री पे। ये तो आपका 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। अगर 2 डिग्री एल्कोहल को गर्म करते हैं CHOH को, जब गर्म करते हैं कापर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब इस स्थिति में क्या होता है, ये आपका कीटोन बनाता है, यहाँ से समझिएगा H2 गैस बाहर निकल जाता है, तो RRC डबल बॉन्ड O और H2 गैस बाहर निकलता है, ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल दे रहा है। अब 1 डिग्री एल्कोहल की बात करें, 3 डिग्री एल्कोहल की बात करें, तो जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है यह आपका इस तरह से, इसको समझिएगा, इसे CH3 लिख देते हैं, CH3। ये 3 डिग्री एल्कोहल जो है ये जब क्रिया करता है आपका कापर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो क्या होता है, समझना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये CH3 है, मैं बता रहा हूँ अभी, समझना, CH3 इस तरह से लिख सकते हो, यही लिखे हो ना OH, यही तो है ये, इससे अलग कुछ नहीं है, इसे इस तरह से लिख सकते हो ना, समझना जरा फिर से, इस तरह से लिख सकते हो CH3 और यहाँ पर OH, इस प्रकार से लिख सकते हो। अब समझना क्या होने वाला है, जब 3 डिग्री एल्कोहल को गर्म करते हैं, ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल को जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर देखिए OH है और इस यहाँ पर जो 3 OH 3 H है इसमें से 1 H इस तरह से निकलता है और ये H2O बाहर निकाल देता है, H2O बाहर निकाल देता है और बचता क्या है यहाँ पर, ये H2O आपका बाहर निकाल देता है इस तरह से
और ये सी एच टू ओ के साथ बाहर निकाल देता है, और यहाँ पर एक बांड ये एच टू ओ के साथ बाहर निकल जाता है, तो ये बांड यहाँ पर बन जाता है, इस प्रकार से हो जाता है, इसे एल्कीन कहते हैं। इस तरह से एल्कीन बना देता है कौन, वो 3 डिग्री एल्कोहल। तो समझना जा फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल जो है आपका बना रहा है एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन, 3 डिग्री एल्कोहल एल्कीन। इस तरह से विभेद करते हैं किसके द्वारा, विहाइड्रोजनीकरण के द्वारा। बोलिए समझ में आया कि नहीं आपको, ये एल्कोहल वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, एक अलग से कॉपी बनाइए इन सभी क्वेश्चंस का। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, एथिल एल्कोहल की क्वथनांक डाई एथिल ईथर से अधिक क्यों होता है। देखिए मैं पूरे सिलेबस से आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्यों पूरी सिलेबस से क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पूरे सिलेबस से करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी होगी। एक ही चैप्टर का दूंगा तो एक ही चैप्टर पढ़ के करोगे, ऐसे आपको आगे पीछे से क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको मजा भी आता होगा क्वेश्चन को करने में, क्वेश्चन को पढ़ने में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एथिल एल्कोहल का क्वेश्चन क्या है, एथिल एल्कोहल और डाई एथिल ईथर में किसका क्वथनांक अधिक होता है। देखिए नहीं, किसका क्वथनांक अधिक होता है और क्यों, जो एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2OH, और डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है CH3CO, डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है CH3OCH3। देखिए गाइस सूत्र में होता क्या है, एथिल एल्कोहल में यह हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक बंद बांध कार्य करता है, एक बांड कार्य करता है, वह उस बांड का नाम होता है हाइड्रोजन बांड। आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोजन बांड या बंध, यहां पर एक बंध कार्य करता है, उस बंध को कहते हैं हाइड्रोजन बंध, और यहां पर कोई बंध नहीं काम करता है हाइड्रोजन बंध की नाम की, या देखिए यहां पर एक बंध कार्य करता है, उस बंध का नाम होता है हाइड्रोजन बंध, और यहां पर हाइड्रोजन बंध नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। तो हाइड्रोजन बांड के कारण यह अधिक, इसका क्वथनांक अधिक होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये गैस अवस्था में पाया जाता है डाई एथिल ईथर, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या लिखेंगे आप देखिएगा, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है, अधिक होता है डाई एथिल ईथर के, डाई एथिल ईथर की अपेक्षा कृत हाइड्रोजन, क्योंकि एथिल एल्कोहल, मतलब ये इसको डायरेक्ट लिखते हैं CH3CH2OH हाइड्रोजन बंध रखता है। देखिए एथिल एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है डाई एथिल ईथर की अपेक्षाकृत, क्योंकि एथिल एल्कोहल हाइड्रोजन बंध रखता है। इस प्रकार से आपका आज का 6 क्वेश्चन तैयार हुआ। बोलिए आपको आज कुछ सीखने को मिला कि नहीं, जरूर मिला होगा आप लोगों को कुछ सीखने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सुबह 6 बजे अगर आपको केमिस्ट्री में 90% लाना है तो सुबह 6 बजे वाला वीडियो और शाम के 6 बजे वाला वीडियो, यानी सुबह 5 बजे वाला वीडियो और शाम के 6 बजे वाला वीडियो आप अपना टाइम निकाल कर देख लिया कीजिएगा, 90% आ जाएगा। और मैं ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरा खुद का 95% आया केमिस्ट्री में, मैं तब पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत है तो मेरा मार्कशीट देख लीजिएगा आप लोग, केमिस्ट्री में 95%, और मैं मैथ पढ़ाऊँ मैथ में 96% है, ठीक है। फिजिक्स में भी ऐसा ही है 92%, मैं फिजिक्स भी आपको पढ़ाऊँगा और मैथ्स के लिए कोई आने पढ़ाएगा, ठीक है। आप इस तरह से पढ़िएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। फिजिक्स के टीचर्स हैं, मैं कहता हूँ उनसे पढ़ाने के लिए, लेकिन वो नहीं आते हैं, जल्दी मैं उनसे कह रहा हूँ पढ़ाने के लिए, और मैथ्स के भी टीचर्स से मैं कह रहा हूँ पढ़ाने के लिए, जल्दी आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो मैं खुद शुरू कर दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, आपकी तैयारी मैं कराऊंगा। उन लोगों को बात यह है कि यूट्यूब पर फ्री में नहीं पढ़ाने आ रहे हैं, पेड बैच में वो लोग पढ़ाते हैं, यूट्यूब पर नहीं पढ़ाने आ रहे हैं क्योंकि ये फ्री बैच है। मैं कहता हूँ कि एक क्लास यूट्यूब पर ले लीजिए, कम से कम एक या दो क्लास ले लीजिए तो ठीक रहेगा, लेकिन नहीं सुनते हैं, मैं देख रहा हूँ अगर नहीं सुनेंगे तो फिर मैं खुद पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। परेशान मत होइएगा, जल्दी आपकी क्लासेज, अन्य क्लासेज भी शुरू की जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश की भी जल्दी, ठीक है गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही, और जो चीज़ें आप आज सीखे हो इन सभी चीज़ों को एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। आज काफ़ी लंबा वीडियो बना होगा क्योंकि आज काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और जो क्वेश्चन दिया हूँ उस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और नहीं आया तो भी कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, कोई बातें हैं तो पूछ सकते हैं,
टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी मेरी टीम आपको बेहतरीन हेल्प प्रदान करेगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 7 बजे आपको केमिस्ट्री का ही वीडियो है उसे भी देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।